जनपद में क्राइम कंट्रोल करने के उद्देश्य से एक बैठक की गई। डीसीपी ने प्रत्येक पीसीआर को सुचारू रूप से पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए। इस दौरान सभी एसएचओ को भी रात 3 बजे तक पेट्रोलिंग के लिए निर्देशित किया गया। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार हाईवे पे, यमुना एक्सप्रेसवे पे और पेरिफेरल रोड पे पेट्रोलिंग की व्यवस्था बढ़ाई गई है ताकि किसी प्रकार कोई दुर्घटना न होने पाए, किसी प्रकार कोई अप्रिय घटना न हो सके, बदमाश लूटपाट न करने पाए। इसी के तहत आज सभी एसीपी गण संबंधित और एसएचओ की, पीसीआर की, मेरे द्वारा रोड पे ही, एक्सप्रेस हाईवे पे ही मीटिंग की गई है और उनको निर्देशित किया गया है कि सुचारू रूप से गश्त करते रहें ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके। हम लोग बिल्कुल सतत प्रयत्नशील हैं कि किसी प्रकार एक्सप्रेसवे पे कोई घटना ना होने पाए। पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है और सबको निर्देशित किया गया है कि एसओ एसएचओ कम से कम 3 बजे रात तक स्वयं जगेंगे। इसके बाद उनके सेकेंड अफसर गश्त करेंगे और सभी पीसीआर को जा करके निर्देशित करें, उनको संवेदनशील बनाएं, जागरूक करें ताकि अपनी ड्यूटियां वो सही प्रकार करें और किसी प्रकार की घटना न होने पाए। जनपद में क्राइम कंट्रोल करने के उद्देश्य से एक बैठक की गई। डीसीपी ने प्रत्येक पीसीआर को सुचारू रूप से पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए। इस दौरान सभी एसएचओ को भी रात 3 बजे तक पेट्रोलिंग के लिए निर्देशित किया गया। पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार हाईवे पे, यमुना एक्सप्रेसवे पे और पेरिफेरल रोड पे पेट्रोलिंग की व्यवस्था बढ़ाई गई है ताकि किसी प्रकार कोई दुर्घटना न होने पाए, किसी प्रकार कोई अप्रिय घटना न हो सके, बदमाश लूटपाट न करने पाए। इसी के तहत आज सभी एसीपी गण संबंधित और एसएचओ की, पीसीआर की, मेरे द्वारा रोड पे ही, एक्सप्रेस हाईवे पे ही मीटिंग की गई है और उनको निर्देशित किया गया है कि सुचारू रूप से गश्त करते रहें ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके। हम लोग बिल्कुल सतत प्रयत्नशील हैं कि किसी प्रकार एक्सप्रेसवे पे कोई घटना ना होने पाए। पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है और सबको निर्देशित किया गया है कि एसओ एसएचओ कम से कम 3 बजे रात तक स्वयं जगेंगे। इसके बाद उनके सेकेंड अफसर गश्त करेंगे और सभी पीसीआर को जा करके निर्देशित करें, उनको संवेदनशील बनाएं, जागरूक करें ताकि अपनी ड्यूटियां वो सही प्रकार करें और किसी प्रकार की घटना न होने पाए।